शोभा की क्लास में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको साड़ी में से शरारा बनाना बता रही हूँ। इसमें इसकी जो लंबाई लेनी है हम लोगों को, टोटल हमारी 39 लंबाई है। इसमें हम लोग सबसे पहले 3 इंच सिलाई का जोड़ देंगे, 42 में। अब शरारा हमें डबल लेयर में बनाना है, तो जो ऊपर वाला इंच का ले रहे हैं टोटल मार्जिन समेत, और बाकी हमारे पास बचेगा इसमें से 26 का हाफ करके दो लेयर हम 13 की लेंगे, यानी 13 के हमें दो पीस चाहिए और एक पीस हमें 16 इंच का चाहिए। तो सबसे नीचे जो लेयर लगने वाली है वो हमने बॉर्डर समेत लिए, 13 इंच की इस लंबाई को ले लिया, और चौड़ाई फ्रंट समेत जितनी हमें चुन्नट चाहिए उस हिसाब से ले सकते हैं। जैसे 4 फोल्ड पे मैंने इसकी चौड़ाई ली है 17 इंच की। एक पीस हमने नीचे बॉर्डर वाला ले लिया 13 बाई 17 इंच हमें 4 फोल्ड पे कपड़ा है। दूसरा हम लोग इसके ऊपर लेंगे 13 इंच का, तो लंबाई इसकी चाहिए, और ये हमें चाहिए 14 इंच, क्योंकि हम लोग इसमें चुन्नट डालेंगे। इस तरीके के इन दोनों पीसों को अलग कर दिया हमने, और अब हम लोग ऊपर जो ये म्यानी का हिस्सा है इसको हम लोग कट कर लेंगे। इसके लिए हम लोगों ने ये पूरा 16 इंच का कपड़ा ले लिया है। ऊपर से हम लोग लेंगे, जिसका हम लोग इसमें ले रहे हैं 36 हिप ले रहे हैं हम लोग इसमें, तो हिप का वन थर्ड 12 इंच हमने ले लिया। यहाँ से ऊपर हमने 2 इंच नेफे का छोड़ दिया जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे, और उसके बाद फिर नीचे हमने 12 इंच ले लिया इस तरीके से सीधा लेके। 2 इंच हम लोग इसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद इस तरीके से हम लोग हल्की सी वी शेप दे देंगे और ये कटिंग कर देंगे। हमारा इसमें इलास्टिक की तरफ मुड़ जाएगा, इसमें म्यानी को अटैच कर देंगे। यहाँ से इस तरीके से चुन्नट बनाते हुए यहाँ अटैच कर देंगे, और नीचे वाली लेयर में भी इस तरीके से चुन्नट बनाते हुए यहाँ पे अटैच कर देंगे। फ्रेंड्स, चुन्नट हमारे ऊपर है, हमें 5 नंबर की चाहिए तो हम 5 नंबर के डाल देंगे, और अगर हमें चाहिए तो हम हाथ से प्लेट बनाकर भी इसको रेडी कर सकते हैं। शरारा हमारे पास रेडी है, ये हमने साड़ी में से बनाया, तो बॉर्डर को हमने इस तरीके से नीचे ले लिया, तो इसमें हम लोगों को अब लेस की भी जरूरत नहीं है। दूसरे फ्रेंड्स, अगर इसमें आपको चुन्नट ज्यादा चाहिए तो हम लोग इसकी गेयर और भी बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई समझ में नहीं है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप सिलाई सीखते रहिए। धन्यवाद।